दही चिकन बनाने के लिए ये मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो के एक बोल में ले लिया है। अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी। दही चिकन बना रहे हैं तो सबसे पहला मैरिनेशन दही का ही होना चाहिए। ये मैंने एक कप दही लिया है मैरिनेशन के लिए, और फिर एक कप मैं ग्रेवी में यूज करूंगी। अब इसके साथ मैं इसमें मसाले ऐड कर देती हूँ। आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच नमक। अब मुझे इसे अच्छे से मिक्स करना है। आज मैं दही चिकन बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है और मैंने 400 ग्राम का दही का एक पैकेट लिया है। आप अगर घर का दही ले रहे हैं तो तब भी आप दो कटोरी दही ले सकते हैं। और बस ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। मुझे इसे दो घंटे के लिए अच्छे से रेस्ट करने के लिए रख देना है। चिकन को मुझे मैरिनेट किए हुए दो घंटे होने वाले हैं। अब मैं उसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। अब साथ में मैं इसमें खड़े मसाले ऐड करूंगी। ये डाल रही हूँ मैं एक दालचीनी, आधी चम्मच जीरा, दो तीन लौंग और एक मोटी इलायची। आप चाहें तो आप बाद में खड़े मसालों को ग्रेवी में से निकाल सकते हैं। ऑयल मेरा गरम था और खड़े मसाले फटाफट से क्रैकल हो गए। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। ये मैंने तीन बड़े प्याज लिए हैं, जिन्हें बारीक चॉप कर दिया है। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, तो चलिए लहसुन और हरी मिर्च ऐड करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। ये मैंने लिया 10 कलियां लहसुन की बारीक कटा हुआ और 1.5 से 2 मिर्च बारीक कटी हुई। देखिए चिकन कितने अच्छे से मैरिनेट हुआ लग रहा है। दो घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी प्याज थोड़ा सा और पक जाए उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। देखिए प्याज काफी हद तक ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन के पीसेस ऐड करती हूँ। मैं इसमें सिर्फ पीसेस ऐड करूंगी, मैं इसका मैरिनेशन वाला जो मिक्सचर है वो बाद में ऐड करूंगी, क्योंकि अगर मैं अभी ऐड कर दूंगी तो वो पानी छोड़ देगा और चिकन गलने में बहुत टाइम ले लेगा। तो इसलिए सिर्फ चिकन के पीसेस ऐड कीजिए। मैंने सारे चिकन पीसेस इसमें ऐड कर दिए। अब इसे अच्छे से हिलाते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने मैरिनेशन मिक्सचर अभी नहीं डाला है, सिर्फ पीसेस ऐड किए हैं, क्योंकि अगर मैं उन्हें अभी ऐड कर दूंगी तो बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा और चिकन नहीं गल पाएगा आसानी से। बस इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है, तो चलिए इसे ढक के रख देते हैं। तब तक मुझे ढक के रखना है जब तक कि ये 82-85% कुक ना हो जाए, और मुझे बीच बीच में इसको खोल के देखना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा मीडियम फ्लेम पे अप्रोक्स 15 से 20 मिनट के लिए। मुझे 10 मिनट हो चुके हैं इसे ढक के रखे हुए, तो चलिए एक बार खोल के चेक करते हैं। देखिए नीचे से मसाला बिल्कुल हट चुका है और ऑयल छोड़ दिया है चिकन ने, पर अभी ये सिर्फ 70% डन है। तो चलिए इसे 10 मिनट के लिए और दोबारा से ढक के रख देती हूँ। ये बोल में वो मेरा मिक्सचर है जो मैरिनेशन से बच गया था। इसमें मैं ये 2 टमाटर की प्यूरी ऐड कर देती हूँ और साथ ही इसमें मैं ये
एक कप और दही ऐड कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था एक कप दही मैंने पहले ऐड किया है और एक कप दही मैं अब ऐड करूंगी। टोटल मैंने 750 ग्राम्स चिकन के लिए 400 ग्राम्स दही लिया है। तो देखिए तीनों चीजें मैंने मिक्स कर दी। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। और अब इसको मैं चिकन के पकने के बाद कढ़ाई में डालूंगी। 10 मिनट और हो चुके हैं और अब शायद ये पक चुका है। चेक कर लेते हैं इसको। बिल्कुल ये देखिए इजीली कट गया, ये पक चुका है ये चिकन। अब मैं इसमें अपना ग्रेवी का मसाला ऐड कर देती हूँ। ये मिक्सचर जो अभी मैंने बनाया था बचे हुए मैरिनेशन मिक्सचर से, एक कप दही से और एक कप टमाटर की ग्रेवी से। और अब ये चिकन अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो गया, बट अब इसे हम बहुत अच्छे से बॉयल आने देते हैं। अभी 10-15% हमें चिकन को भी थोड़ा पकाना है और ग्रेवी को तो हमें पूरा ही पकाना है। देखिए ग्रेवी में कितना बढ़िया सा बॉयल आ रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ग्रेवी को पकने के लिए ढक के रख देते हैं 10-15 मिनट के। चिकन ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, ग्रेवी भी मेरी रिड्यूस हो चुकी है काफी हद तक। तो चलिए अब मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ सो दैट इसकी थोड़ी सी रंगत अच्छी हो जाए। फिर से एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, 3/4 टेबलस्पून हल्दी और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें, क्योंकि पहले भी हम एक चम्मच नमक ऐड कर चुके हैं मैरिनेशन में। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। इसका मेन मसाला एक चम्मच चिकन मसाला, अगेन मिक्स। अब देखिए अब शक्ल भी इसकी अच्छी हो गई और टेक्सचर भी बढ़िया लगने लग गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखिए चिकन मेरा पूरी तरह से पक चुका है, ग्रेवी में बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो चलिए अब लास्ट में इसमें मैं ये धनिया ऐड करती हूँ। थोड़ी सी मैंने ये ली है कसूरी मेथी। अब इस कसूरी मेथी को अच्छे से इसमें ऐड कर देती हूँ। एक बार फिर से मिक्स और बस। बन गया मेरा दही चिकन। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए तैयार है मेरा दही चिकन। मैंने लास्ट में इसको फ्रेश धनिया पत्ती के साथ और थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ गार्निश किया है। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।